हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल सौरभ फिट व्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन के ऊपर कि क्रिएटिन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर क्रिएटिन हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे आज। अगर आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही हेल्पफुल होगा वो मेरे लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिएटिन क्या है? मतलब क्रिएटिन है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन की तरह ही मॉलिक्यूल होता है ये भी, और ये हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर सकती है और हम नॉर्मल फूड से भी ले सकते हैं। फूड्स में जैसे कि बीफ, फिश, या फिर चिकन में या एग में, इसमें कुछ अमाउंट में क्रिएटिन होता है, बट वो इतना सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए हम अलग से क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो हेल्दी है का क्रिएटिन है, ये मेरे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी क्रिएटिन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि मतलब हमें क्रिएटिन किस फॉर्म में लेना चाहिए। क्रिएटिन हमें लेना चाहिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में। इसकी और भी फॉर्म्स आती हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन रेट सबसे अच्छा है, कि वो मसल में सबसे ज़्यादा जाता है हमारा क्रिएटिन, और क्रिएटिन हमारे मसल में स्टोर होता है, और उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। क्रिएटिन हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है? क्रिएटिन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्रिएटिन हमारी बॉडी को देता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो एटीपी हमारी बॉडी में वर्क ऐसा करता है कि एटीपी ब्रेक डाउन होता है हमें एनर्जी देने के लिए, और वही एनर्जी हमें काम आती है एक्स्ट्रा रैप्स मारने के लिए, फिर कुछ स्ट्रेंथ में इंक्रीज होने के लिए, तो वो एनर्जी हमारे उसमें काम आती है। तो ये एटीपी का काम होता है, और जैसा कि मैंने बताया था कि वो हमारे मसल में स्टोर होता है, और ये स्टडीज़ में पाया गया है कि मतलब अगर हम नॉर्मल फूड से अपना क्रिएटिन लेते हैं, नॉर्मली हम डेली लाइफ में जितनी भी डाइट लेते हैं, तो ये स्टडीज़ में प्रूवन है कि हमारी बॉडी में 50-60% क्रिएटिन रहता है अगर हम नॉर्मल डाइट लेते हैं, बट अगर हम सप्लीमेंटेशन ऐड करते हैं तो हम उसे 100% तक ले जा सकते हैं, और उसकी वो सैचुरेशन पॉइंट होता है। सैचुरेशन पॉइंट की हम आगे बात करेंगे कि मैंने इसका जिक्र क्यों किया, और हमारे मसल में स्टोर होता है। तो सैचुरेशन पॉइंट हिट होने के बाद हम डेली अगर क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं, वो हमारे उस सैचुरेशन लेवल को मेंटेन रखेगा और हमें आगे हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या है? क्रिएटिन का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो हमारी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट लाता है, कि मतलब ऐसा नहीं आपको बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, पर आपको डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में, कि आप जिस वेट से पहले 10 रैप लगाते थे, आप मे बी 11 लगाएं, 12 लगाएं, और मसल्स को रीज़न मिलता है बढ़ने के लिए, कि अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो मसल्स भी ऑफकोर्स बढ़ते हैं। सेकंड और मेजर बेनिफिट जो लोग लेते हैं, इस वजह से मसल साइज़ इंक्रीज़ होता है। मसल साइज़ ऐसे इंक्रीज़ होता है कि क्रिएटिन, जैसे मैंने पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि क्रिएटिन हमारे मसल में स्टोर होता है, तो जो क्रिएटिन होता है वो क्रिएटिन वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है, तो उसमें मसल के अंदर वाटर लेवल बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन होती है, तो इसकी वजह से आपके मसल में फुलनेस आती है, उसका साइज़ अच्छा दिखाई देता है। अब इसमें बात करेंगे कि ये हमारे फैट लॉस में हेल्प करता है, या फिर फैट लॉस में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्रिएटिन का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता कि आपको फैट लॉस में लेना है नहीं लेना, क्योंकि फैट लॉस से और वाटर रिटेंशन से कोई लिंक नहीं होता आपस में, बल्कि आपको हेल्प करेगा फैट लॉस में अच्छा फूल दिखाने का। ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि आप इसे फैट लॉस में नहीं ले सकते। इसकी दिन में सर्विंग साइज़ कितना होना चाहिए? पर डे जो रिकमेंडेशन होती है कि आप 5 ग्राम तक ले सकते हैं, आप अगर बहुत ही ज़्यादा एडवांस है तो 6 ग्राम ले सकते हैं, वो आपके लिए इनफ होता है। बिगनर्स 3 ग्राम से शुरू करते हैं नॉर्मली, तो 3 ग्राम या 5 ग्राम की क्वांटिटी पहुंचने के लिए भी एक होता है लोडिंग फेज होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सैचुरेशन हिट करनी पड़ती है हमें पहले, तो उसी को हम लोडिंग कहते हैं। रिकमेंडेशन ये होती है कि आप स्टार्टिंग में 1 वीक तक 20-25 ग्राम क्रिएटिन लें, तो उससे आपके मसल में सफिशेंट अमाउंट ऑफ क्रिएटिन स्टोर हो जाता है, कि सैचुरेशन हिट हो जाती है, उसके बाद आप कंटिन्यू ले सकते हैं। और मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप डेली क्रिएटिन लें, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गैप कर दें उसमें, क्योंकि डेली मेंटेन करना ज़रूरी होता है उसे, जिससे कि आपके एटीपी लेवल्स फुल रहे हमेशा, क्रिएटिन मसल में थोड़ा हमेशा स्टोर रहे, उसकी क्वांटिटी कम ना हो। व्हेन शुड वी टेक क्रिएटिन? ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि आप क्रिएटिन को वर्कआउट से पहले लें, वर्कआउट के बाद लें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्री में लेते हैं या पोस्ट में लेते हैं, उसका मेजर कोई इफेक्ट नहीं होता ऐसा, कि मतलब 1-2% का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका कोई इंस्टेंट बेनिफिट नहीं मिलता आपको क्रिएटिन का, इसका आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप क्रिएटिन को कभी भी ले सकते हैं। बस एक टिप ये रहेगी कि जिस टाइम आप कार्ब कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ क्रिएटिन लें, तो अच्छी एब्जॉर्प्शन मिलती है, एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा रहता है इसका। सबसे बड़ा मिथ अभी तक भी ये है कि मतलब
क्रिएटिन में इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं, पर तब भी लोग ये सोचते हैं कि आपको किडनी पे इफेक्ट करेगा, कि आपको एक साइकिल चलानी चाहिए इसकी, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना चाहिए। अगर आप वाटर सही क्वांटिटी में पीते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि आपको कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको साइकिल करनी पड़े। आप अपना वाटर लेवल अच्छा रखिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी और वीडियोस देखने को मिलेंगी और मेरी कुछ पुरानी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, एक बार चेकआउट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।